अब ये इसके अंदर जो हम बात करते हैं कि जो एंग्जोलाइटिक्स है वो किस तरीके से वो एक्ट करते हैं, और उसके अंदर प्राइमरीली हमारे पास दो ग्रुप्स है उसको जो हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर पहला है बेंजोडाइजेपिन्स, जो सेकंड वाला है वो है बारबिट्यूरेट्स। दोनों का ऑलमोस्ट जो एक्शन है वो एक जैसा है, लेकिन रिसेप्टर उनके डिफरेंट होंगे। और होप आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर के अंदर फार्माकोलॉजी पढ़ी है, तो आप लोगों को रिसेप्टर का पता होगा, रिसेप्टर क्या चीज़ होती है, कितने टाइप्स होते हैं रिसेप्टर्स के। तो हमारे पास अब ये वाला नहीं है कि हम रिसेप्टर्स को यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करें, लेकिन बहरहाल आप लोगों को पता होगा कि रिसेप्टर क्या चीज़ है। न्यूरो ट्रांसमीटर आप लोगों को फिजियोलॉजी से पता होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि साइट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन, ठीक है जी। साइट ऑफ एक्शन इज द गाबा ए रिसेप्टर। अच्छा, अब जो बेंजोडाइजेपिन्स है या जितने भी एंजाइलाइटिक्स है उनका जो, और स्पेशली यहाँ पे हम बेंजोडाइजेपिन की बात कर रहे हैं, तो बेंजोडाइजेपिन्स का जो साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है, गाबा ए रिसेप्टर है, ठीक है जी। अच्छा, आपको याद रहे कि जी गाबा हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर हमारे सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे पास डोपामीन है, 5-HT है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन है, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, गामा अमाइनोब्यूटायरिक एसिड है। इसके अंदर कुछ हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, कुछ हमारे पास इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। अब गाबा की अगर हम बात करते हैं तो गाबा हमारे पास इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबामीन गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। तो इनका जो साइड ऑफ एक्शन है बेंजोडाइजेपिन्स का वो कहाँ पे है, गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर है। अच्छा, अब अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें गाबा ए रिसेप्टर का, तो उसके अंदर हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं, पांच सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है जी। अब वो गाबा रिसेप्टर के पांच सब यूनिट्स में से दो हमारे पास अल्फा सब यूनिट्स हैं, जिसके साथ हमारे पास गाबा बाइंड होता है। दो हमारे पास बीटा सब यूनिट्स है, जिसके साथ बारबिट्यूरेट्स बाइंड होते हैं, और एक हमारे पास गामा सब यूनिट है जिसके साथ बेंजोडाइजेपिन बाइंड होता है। तो ये बेसिकली उस रिसेप्टर के सब टाइप्स है, उस रिसेप्टर के टाइप्स है जिनके साथ डिफरेंट हमारे पास केमिकल्स अटैच होते हैं। जिस तरीके से अल्फा के साथ गाबा बाइंड होगा, गाबा आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये एक इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है जी। और शुरू में आपको मैंने बता दिया कि वहां पे न्यूरोनल एक्साइटेशन ज्यादा है, तो हमें किसी इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करना है ताकि वो ज्यादा जो हमारे पास न्यूरोनल एक्साइटेशन हो रही है उसको हम कम कर सके, ठीक है जी। और बीटा सब यूनिट्स के साथ बारबिट्यूरेट्स आगे हम डिस्कस करेंगे, और एक हमारे पास जो गामा सब यूनिट्स है उसके साथ बेंजोडाइजेपिन्स हमारे पास बाइंड होते हैं। अच्छा जी, अब बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स ऑफ गाबा ए इज हेटेरोजेनस। अब हम कहते हैं कि जी जो गाबा के जो रिसेप्टर्स है बेंजोडाइजेपिन्स के लिए वो हेटेरोजेनस है, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं गामा, ठीक है जी। तो उसके हमारे पास फर्दर 13 सब यूनिट्स है जिसको हम कहते हैं गाबा ए गामा रिसेप्टर। वो गाबा ए गामा रिसेप्टर्स के जो 13 रिसेप्टर्स है उनमें से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास चार है, ठीक है जी, जो बेंजोडाइजेपिन सेंसिटिव है। और उसके अंदर हमारे पास क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 5, ठीक है जी। जो बेंजोडाइजेपिन इनसेंसिटिव है उसके अंदर अल्फा 4 और अल्फा 6 सब यूनिट्स है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 5। ये हमारे पास गाबा ए गामा रिसेप्टर के सब टाइप्स है, ठीक है जी, या सब यूनिट्स है उसकी, बेंजोडाइजेपिन गाबा ए गामा रिसेप्टर। अच्छा जी, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अगर हम इन रिसेप्टर्स को अगर एक्टिवेट करते हैं किसी भी ड्रग के थ्रू, या मतलब गाबा इटसेल्फ इसको एक्टिवेट करती है, तो उसके एक्शंस क्या होंगे। मायो रिलैक्सेंट है, मसल रिलैक्सेशन, आप देख रहे होंगे अक्सर जो बेंजोडाइजेपिन है हम इज मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इनका जो मोटर इम्पेयरिंग है, ठीक है जी, ज्यादातर ये जो इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर आ जाता है कि साइड इफेक्ट्स में मोटर मोटर एम्पेयरमेंट करा देती हैं। जिस तरीके से आप लोग कोई एंग्जोलाइटिक लेते हैं तो आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक
आपको फाइन मोटर वर्क करने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए कि आपकी जो मोटर इम्पेयरमेंट होती है, जो आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है उसके अंदर आपकी जो न्यूरोनल एक्साइटेशन है वो बिल्कुल डिमिनिश हो जाती है, तो आप फाइन मोटर वर्क्स आप नहीं कर सकते। एंड एंग्जुलाइटिक लाइक प्रॉपर्टीज थॉट टू बी मेडिएटेड बाई अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड और अल्फा फाइव सब यूनिट्स। इनके जो अल्फा वन अल्फा टू जो हमने डिस्कस किया कि अल्फा टू अल्फा थ्री और अल्फा फाइव सब यूनिट्स जो है, इनके जो तीन सब यूनिट्स है वो एंग्जोलाइटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फाइव सब यूनिट्स बेसिकली ये गाबा ए रिसेप्टर के, अगर ये हमारे पास एक्टिवेट होंगे तो इसकी वजह से हमें एंग्जोलाइटिक इफेक्ट्स हमें मिलेंगे। अच्छा जी, अब वो बेंजोडाइजेफिन्स जो कि एक्ट करते हैं ऑन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड और अल्फा फाइव सब यूनिट्स बट नॉट अल्फा वन, हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉन सेडेटिव नॉन एमनेसिक एंजाइलाइटिक प्रॉपर्टीज। अब वो बेंजोडाइजेफिन्स जो कि हमारे पास अल्फा टू अल्फा थ्री और अल्फा फाइव सब यूनिट्स के ऊपर तो इफेक्ट करते हैं, जिस तरीके से ये तीन रिसेप्टर्स है जो एंजाइलाइटिक प्रॉपर्टीज रखती है, ठीक है जी, लेकिन अल्फा वन के ऊपर नहीं रखती। अब अल्फा वन सब यूनिट को अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे सेडेशन होगी, उससे हमें एमनेसिया होगा, ठीक है जी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कुछ हमारे पास जो ड्रग्स है वो हमारे पास एस एमनेस्टिक प्रॉपर्टीज उसके होने की वजह से उसको यूज किया जाता है कि वो आपको एमनेसिया कराते हैं, शॉर्ट टर्म आपके मेमोरी लॉस कर देती है। तो जो ड्रग्स हमारे पास अल्फा वन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट नहीं करेगी तो उसके अंदर सेडेशन कम होगी, उसके अंदर हमारे पास जो एमनेसिया प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है वो कम होगी, ठीक है जी। अच्छा आगे आ जाए बेंजोडाइजेपिन्स हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। अब इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स है, इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स है और शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स है, ठीक है जी। और बेंजोडाइजेपिन्स आपके लिए कोई नए दवाएं नहीं है, जिस तरीके से डाइजेफाम है, ठीक है जी, क्लोनाजेफाम है, ठीक है जी, रेवोट्रेल आप यूज कर रहे हैं, जेनेक्स आप यूज करते हैं, डाइजेफाम अगर यूज करते हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स है, ठीक है जी। अच्छा अब इसके अंदर जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स है उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 to 3 days है, ठीक है जी, ये मैक्सिमम हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है अगर आप लेते हैं। और उसके अंदर जो हमारे पास मेडिसिन इंक्लूड है वो है क्लोराजेपेट, क्लोरडाइजेफॉक्साइड, डाइजेफाम, फ्लोराजेफाम एंड क्यूजेफाम, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स है, ठीक। फिर हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है जो उनका मैक्सिमम 6 to 12 hours का जो हमारे पास विंडो होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का, वो हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स का है। और उसके अंदर हमारे पास इंक्लूडेड है अल्प्राजुलाम, स्ट्राजुलाम, लोराजेफाम और टेमाजेफाम, ठीक है जी, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स है। और शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर हमारे पास है ऑक्साजेफाम एंड ट्रायाजुलम, ठीक है जी, जो कि 2 से 3 घंटे तक इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 2 से 3 घंटे तक होता है, ठीक है जी, लेकिन इसके अंदर जो एमनेस्टिक प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा है शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास तीन क्लासेस हो गई हैं कि लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स। अच्छा जी, हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के, किस तरीके से ये मेडिसिन एक्ट करते हैं, एंग्जाइटी को कैसे कम करती है, मसल रिलैक्सेशन कैसे करती है, ठीक है जी, एमनेसिया को कैसे प्रोड्यूस करती है। अच्छा अब एंग्जाइटी का आपको पैथोफिजियोलॉजी पता है कि एंग्जाइटी के अंदर क्या होता है, कि आपके सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है कि आपके जो न्यूरॉनल एक्साइटेशन है वो बढ़ जाती है, आपके जो न्यूरॉन है उसकी जो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एंग्जाइटी के अंदर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमने उनकी जो एक्साइटेशन है उनको कम करना है ताकि हमारे पास एंग्जाइटी कम हो, बहुत ज़्यादा ओवरवेम्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फायरिंग हो रही है आपके सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर, और दैट इज़ द प्राइमरी रीजन फॉर एंग्जाइटी, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी प्रोड्यूस हो रही है। अब हमें क्या करना है कि उस एक्साइटेशन को कम करना है, उस फायरिंग को कम करना है।
अब उस फायरिंग को कम करने के लिए या तो हमें किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, ठीक है जी, या हमें किसी न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को एनहांस करना है, और डेफिनेटली वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास क्या होगा, इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा, जो कि इनहेबिट करेगा न्यूरॉन की ट्रांसमिशन को। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर वो ट्रांसमिशन ना हो तो हमें एंग्जाइटी कम हो, ठीक है जी। एक चीज जो आपकी समझने की है वो क्या है कि जी, सिंपल सी बात एक नोट करें, आपको दोबारा समय कह रहा हूं, ठीक है जी। जो हमारे पास एंग्जोलाइटिक्स है वो इस तरीके से एक्शन करते हैं कि के एंग्जाइटी के अंदर हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स में बाकी ब्रेन के एरिया में जो न्यूरोनल एक्साइटेशन है वो ज्यादा होती है, एक्सेसिव फायरिंग होती है। अब वो फायरिंग बहुत ज्यादा होती है, जब वो फायरिंग ज्यादा होती है तो एंग्जाइटी है। अब उसको हमने कम करना है, उन फायरिंग को कम करना है ताकि हमारी एंग्जाइटी कम हो जाए। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एंग्जोलाइटिक्स देते हैं। अब एंग्जोलाइटिक्स क्या करते हैं कि गाबा के एफिनिटी को बढ़ाती है। आप इस मोडा फैक्शन के अंदर देख ले, इंक्रीज एफिनिटी ऑफ गाबा फॉर रिसेप्टर साइट, ठीक है जी। गाबा चूंकि हमारे पास इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो इसकी एफिनिटी अपने रिसेप्टर के लिए बढ़ाती है, ठीक है जी। अच्छा, एफिनिटी अपने रिसेप्टर के साथ कैसे बढ़ाती है कि जैसे ही बेंजोडाइजेपिन आएगा अपने रिसेप्टर के ऊपर बैठेगा, ठीक है जी, तो जो गाबा रिसेप्टर होगा, जो गाबा के जो मॉलिक्यूल्स होंगे न्यूरोट्रांसमीटर के, वो ज्यादा अटैच होंगे अपने रिसेप्टर के साथ, ठीक है, समझ रहे। अब क्या होगा कि बेंजोडाइजेपिन हमने दे दिया, उसका अलग से रिसेप्टर है, लेकिन वो जब अपने रिसेप्टर के ऊपर जाकर के बैठेगा तो वो क्या करेगा, गाबा की एफिनिटी, एफिनिटी आप कहें तो गाबा की जो मोहब्बत है अपने रिसेप्टर के लिए बढ़ाती है। अब ज्यादा से ज्यादा गाबा आएंगे और अपने रिसेप्टर के ऊपर बैठ जाएंगे जब हमने बेंजोडाइजेपिन दे दिया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसका एक्शन क्या होगा, जैसे ही गाबा आ करके अपने रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाता है तो आपके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या होता है कि आपके क्लोराइड आयन चैनल्स खुलते हैं, ठीक है जी। जैसे क्लोराइड आयन चैनल्स खुलते हैं तो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन आपके न्यूरॉन के अंदर चला जाता है, ठीक है जी। इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड इनसाइड द सेल, आपके जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर क्या हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन आ जाते हैं। अच्छा जी, जब क्लोराइड आयन आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जिस तरीके से आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, क्या होता है कि आपका जो सेल है वो उसकी नेगेटिविटी इनसाइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्जेस अंदर आ जाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। अब जब उस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, वो आप लोगों को एक्शन पोटेंशियल से पता है, ऐसे स्टेज को हम कहते हैं क्या, हाइपर पोलराइज स्टेज, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है जी। अब वो हाइपर पोलराइज हो जाएगा जब वो हाइपर, कोई भी सेल हमारे पास अगर हाइपर, अजी मैंने नहीं किया, अब ये लोग जब बातें करते हैं तो ये खुद ही ऑफ हो जाता है। अच्छा, अब जो हमारे पास क्या है कि ये जो सेल है हमारे पास हाइपर पोलराइज हो गया, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो कि हमें चाहिए था, ठीक है जी, हमें क्या चाहिए था कि भाई हम अपने पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को हाइपर पोलराइज करें। हमारा मकसद ये था कि आगे हमारे पास ये जो फायरिंग है वो आगे ना जाए ताकि हमारी एंग्जाइटी कम हो सके, ठीक है जी। तो इसको हमने कैसे किया कि सेल हाइपर पोलराइज हो गया, तो जब हाइपर पोलराइज हो गया तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उस सेल को डीपोलराइज करना। जब आप डीपोलराइज नहीं कर सकते तो इसका मकसद क्या है कि एक जगह से कुछ आप सोच रहे थे किसी चीज के बारे में, वो इंपल्सिस आ रहे थे और आपके न्यूरॉन्स को एक्साइट कर रहे थे। अब आपने क्या किया, बेंजोडाइजेपिन आपने दे दिया, बेंजोडाइजेपिन अपने रिसेप्टर के साथ
अटैच हो गया। जब वो अटैच हो गया उसने गाबा की एफिनिटी अपने रिसेप्टर के साथ बढ़ाई। अब गाबा हमें पता है कि गाबा हमारे पास क्या है, इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जब ये इनहेबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो क्या काम करेगा, जब ये अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होगा उसकी मोहब्बत अपने रिसेप्टर के साथ बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लोराइड आयन को जो चैनल से उसको ओपन करेगा, बहुत ज़्यादा क्लोराइड आयन सेल के अंदर चला जाएगा और सेल हमारे पास हाइपर पोलराइज हो जाएगा। अब पीछे से जितनी भी फायरिंग हो रही है आगे सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर, वो न्यूरॉन हमारे पास क्या होगा, वो डीपोलराइज नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे क्लोराइड आयन आ गए हैं कि वो सेल हमारे पास बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो गया है और आगे वो बिल्कुल डीट हो चुका है, आगे वो कोई सेंसेशन ले ही नहीं रहा। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि वो जो ज़्यादा फायरिंग हो रही थी, जो आपको सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर और आगे ब्रेन के एरिया के अंदर जा करके आपको परेशान कर रही थी, आपको एंजाइटी हो रही थी, उसको इस तरीके से जो बेंजोडाइजेपिन है इस तरीके से मिनिमाइज किया। ठीक है जी, तो आप दोबारा से इसको देख ले, मोड ऑफ एक्शन के अंदर हमारे पास सेकंड लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि सेल हाइपर पोलराइज एंड बिकम्स डिफिकल्ट फॉर डीपोलराइजेशन। अब जो आपका सेल है वो बहुत मुश्किल होगा डीपोलराइज करना उसका, क्योंकि उसको आपने हाइपर पोलराइज कर दिया। और डिक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, आपके जो न्यूरॉन है उसकी जो एक्साइटेबिलिटी है वो कम हो गई, जो कि हमें चाहिए थी, जो हमें डिजायर्ड थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गई थी एंजाइटी में और हमें इसको कम करना था, और इस टारगेट को हमने अचीव कर लिया बाय गिविंग बेंजोडाइजेपिन। अच्छा जी, अब देखें एक्शंस के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा जी, एक्शंस क्या हैं इसके, रिडक्शन इन एंजाइटी, आपकी एंजाइटी रिड्यूस होगी। कैसे रिड्यूस होगी, जिस तरीके से आप लोगों को मैंने कहा कि जी आपकी प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर ये आपके जो पोसाइनेप्टिक न्यूरॉन से वो हाइपर पोलराइज हो गए और उसको हम डीपोलराइज नहीं कर सकते। वो जो फायरिंग हो रही है आपकी सोचने की, आपको ओवरवेम करने की, आप बहुत ज़्यादा वॉरिड थे, टेंशन में थे, वो वाले जो इम्पल्सिस है वो आगे पास ही नहीं हो रहे हैं, तो आपकी एंग्जाइटी कम हो गई। अच्छा, इस तरीके से आपकी जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, रास सिस्टम है, वहाँ पे अगर हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे अगर इन न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, सेडेटिव एंड हेप्नोटिक एक्शंस, आपको नींद आएगी। ठीक है जी, हेप्नोटिक एक्शंस होगा इसका। अच्छा जी, फिर देखिए एंटी कन्वल्सेंट, अक्सर जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली वार्ड्स में काम किया हुआ है, पेशेंट को एकदम से फिट्स स्टार्ट हो जाते हैं, वो सीज करना शुरू कर देते हैं, तो एकदम से हम उनको डार्मेकम या डाइजेफाम लगाते हैं। ठीक है जी, अब उसके अंदर होता क्या है कि अब वो जो फिट्स स्टार्ट होते हैं या जो सीज करते हैं पेशेंट को, मतलब सीजर्स होते हैं, तो उसके अंदर होता यही है कि आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर आपके जो न्यूरॉन है हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको टोनिक क्लोनिक या अदर किस्म के कन्वल्शंस होते हैं या आपको सीजर्स या फिट्स होते हैं। और एकदम से हम क्या करते हैं कि उनको या डाइजेफाम देते हैं या डॉर्मिकम देते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास है एंजोलाइटिक्स, लेकिन क्या काम करते हैं कि एकदम से वो मोटर कॉर्टेक्स सीएनएस के अंदर, मोटर कॉर्टेक्स के अंदर जा करके वहां पे गाबा को एक्टिवेट करती है। जब वो वहां पे गाबा को एक्टिवेट करेगी तो हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या हो जाएंगे, हाइपर पोलराइज हो जाएंगे, डीपोलराइज वो नहीं होंगे किसी स्टेमुलस से। ठीक है जी, वो बिल्कुल ब्लंट हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा मोटर एक्टिविटी हो रही थी, जिसको जिसकी वजह से फिट्स हो रहे थे, वो कम हो जाते हैं। और एज मसल रिलैक्सेंट भी आप लोग देते हैं, जिस तरीके से शोल्डर रिडक्शन हो, कुछ और पेशेंट के ऊपर कोई जिस तरीके से टीएमजे डिसलोकेशन है उसको अगर रिड्यूस करते हैं, तो उससे पहले भी एज अ मसल रिलैक्सेंट हम स्पेशली इंटरमीडिएट एक्टिंग डॉर्मिकम देते हैं, ताकि पेशेंट के मसल रिलैक्स और आसानी से जो उसका प्रोसीजर हो सके। ये इसके ब्रेन के डिफरेंट एरिया के अंदर एक्शंस है, सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर। देखिए दोबारा से एक्शंस, अगर रिडक्शन इन एंग्जाइटी है प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर तो एंग्जाइटी को रिड्यूस करेगा, रास के अंदर है अगर ये जाएगा बेंजोडाइजेपिन, वहां पे गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो आपको सेडेशन कराएगी, आपको नींद आएगी, उसका हेप्नोटिक एक्शन होगा। प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर होगा
तो एंटी कन्वल्सेंट्स और मसल रिलैक्सेंट एक्शन होगा इसका, ठीक है जी, बेंजोडाइजेपिन्स का। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। अच्छा जी, इंडिकेशंस क्या है? अच्छा, नॉर्मल एंजाइटी जो है हमारे पास वो तो नॉर्मल होती है और वो आती रहती है, उसके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती मेडिकेशन की। लेकिन जब हम एंजाइटिस की बात करते हैं तो स्पेशली जब हमारी एंजाइटी बहुत ज़्यादा प्रोलोंग कर जाती है या डिसप्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है जी, अब प्रोलोंग कर गई या डिसप्रोपोर्शनल हो जाती है एंजाइटी आपकी, और उसको बेसिकली हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर के डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या चीज, जब हमारे पास एंजाइटी या तो डिसप्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है जी, इन द कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएशन और एनी थिंग दैट इज प्रोड्यूसिंग एंजाइटी, या इस उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है जी। तो मेनली हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर हम देते हैं, और उसके अंदर क्या है, अच्छा नॉर्मल एंजाइटी के भी अंदर भी हम दे सकते हैं। अच्छा, बेंजोडाइजेपिन्स हम एज हेप्नोटिक्स या सेडेशन के लिए दे सकते हैं, नींद लाने के लिए भी हम देते हैं जिसको मतलब नींद आने के अंदर प्रॉब्लम हो, नींद सस्टेन करने के अंदर प्रॉब्लम हो, ये दो मसले हो सकते हैं स्लीप के, कि डिफिकल्टी इन रिमेनिंग अस्लीप एंड डिफिकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप, दोनों के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो फिर हमें क्या होगा कि हमें इनको देना होगा एंजाइटिक्स, ठीक है जी। अच्छा, इंडिकेशन के अंदर आप देख लें, इंडिकेशन के अंदर हमारे पास है पैनिक डिसऑर्डर, आप लोगों ने एंजाइटी डिसऑर्डर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसके अंदर हमारे पास पैनिक डिसऑर्डर है, ठीक है जी, और जब वो अटैक्स के अंदर हो रहा होता है तो आप लोगों को अगर पैनिक डिसऑर्डर आप लोगों ने तो एक्यूट पैनिक अटैक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक टाइप है एंजाइटी डिसऑर्डर का। फिर जीएडी है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। फिर हमारे पास परफॉर्मेंस एंजाइटी है, ठीक है जी, ये परफॉर्मेंस एंजाइटी सोशल एंजाइटी का एक सब टाइप है, ठीक है जी, कि किसी जगह के ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर अंदर आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है जी, किसी सोशल सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं वहां पे आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है जी, आपको स्टेज फेयर है, लोगों को सामना करने का फेयर है, किसी नई जगह जाने का बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी होती है, तो उसके अंदर, ठीक है जी। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अगेन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ सब टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है जी, उसके अंदर एंजाइटिक्स हम देते हैं। पीटीएसडी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पहले ये होता था एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स में, अभी ये अलग से है कि जी स्ट्रेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमारे पास अलग है, सॉरी। इस तरीके से फोबिक एंजाइटी है, अच्छा जी, फोबिक एंजाइटी, अगेन फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप है, उसके अंदर भी हम बेंजोडाइजेपिन देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है, जो सबसे बुरे एडवर्स इफेक्ट्स है, जितनी भी हम अगर साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर एडिक्शंस की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा कम मेडिसिन के अंदर है, जो कि अक्सर लोग परसीव करते हैं कि इसके अंदर एडिक्शन के प्रॉपर्टीज ज्यादा है, लेकिन कम है अक्सर मेडिसिन के अंदर। लेकिन अगर हम बेंजोडाइजेपिन्स की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन्स में सॉरी बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर हमारे पास जो डिपेंडेंस की, या जिसको हम कहते हैं कि एडिक्शन, जिसके ऊपर आप आदि हो जाते हैं, आप एडिक्ट हो जाते हैं, आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है जी। अब डिपेंडेंस आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम ड्रग एब्यूज पढ़ेंगे कि जी डिपेंडेंस क्या है, टॉलरेंस क्या चीज है, ठीक है जी, एडिक्शन क्या चीज है, फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के फिजिकली आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है जी। दूसरा क्या है कि अब हमने डिस्कस कर लिया कि जी रस के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अब रस के अंदर अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, वो उसके अंदर फिर क्या होगा कि ड्राउजीनेस होगी, जी हेलो, हेलो,
अच्छा जी, तो उसके अंदर ड्राउजीनेस होगा, कंफ्यूजन होगा, आपको एजिटेशन होगी, ठीक है जी। अच्छा, एटैक्सिया होगा, आपका जो गेट है, ठीक है जी, वो एटैक्सिक होगा। आप लोगों ने हेल्थ असेसमेंट के अंदर पढ़ा होगा एटैक्सिक गेट, ठीक है जी। आप लड़खड़ाएंगे, आप अपना बैलेंस सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। और साथ में कॉग्निटिव एम्पेयरमेंट होगी, ठीक है जी। जाहिर सी बात है, आपकी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर अगर आपके न्यूरॉन सप्रेस हो जाते हैं, तो वहां से ही आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं, और उसकी वजह से आपको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है, ठीक है जी। और इस तरीके से एमनेजिया, आपको एमनेजिया हो सकता है, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकती है, अच्छा जी। हम डिसकनेक्ट हो गए थे थोड़े से टाइम के लिए। हेलो जी, जी 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 आ रही है। अच्छा जी, आवाज आ रही है। अच्छा जी, एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर क्या है कि डिपेंडेंस है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है, डिपेंडेंस, ठीक है जी। आप इसके ऊपर डिपेंड कर जाते हैं, या तो फिजिकल डिपेंडेंस आपको हो जाती है या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, ठीक है जी। आपको फिर नींद नहीं आएगी, आपको फिर बॉडी के अंदर पेन होंगे, आप इसको छोड़ेंगे, आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। आगे हम ड्रग एब्यूज में जो हमारे है उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो क्या, डिपेंडेंस है, ड्राउजीनेस है। अच्छा जी, आपका रैस है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आप जागते रहते हैं, ठीक है जी, वो आपको एक्टिव रखती है। वहां पे अगेन अगर हमारे पास जो बेंजोडाइजपिन है वो एक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ड्राउजीनेस होगा, ठीक है जी। कंफ्यूजन होगा, ठीक है जी, आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है जी। आपको प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर बहुत ज्यादा आपके जो न्यूरॉन है हाइपर पोलराइज हो जाते हैं, तो उनका एक्शन कम हो जाता है, ठीक है जी। आप एजिटेट होंगे, आपको अटैक्सिया। अच्छा जी, मोटर कॉर्टेक्स के अंदर हमने बात की कि जी आपके जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में अगर ये न्यूरॉन को डिमेनिश कर देती है, उनके एक्साइटेबिलिटी को कम करती है, तो वहां पे फिर क्या होगा कि स्पेशली सेरेबिलम के अंदर, तो सेरेबिलम आपके गेट को मेंटेन करती है ना, बैलेंस एंड पोस्चर काम है सेरेबिलम का। वहां पे अगर हमारे पास गाबा एक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा, आपका गेट एटैक्सिया हो जाएगा, ठीक है जी, एटैक्सिक हो जाएगा। आप लड़खड़ा के जाएंगे, आप सीधी लाइन के अंदर नहीं जा सकेंगे। आपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली इसको पढ़ा होगा, एटैक्सिक गेट, और क्यों होता है, कैसे हम इसको देखते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। अच्छा जी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आप लोगों को पता होगा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ठीक है जी। अब उसके अंदर आपका कॉग्निशन है, ठीक है जी, आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो आपकी जो मेमोरी है, रीजनिंग है, ठीक है जी, ये सारे। तो अगर ये हमारे पास डिप्रेस होते हैं, तो उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, तो उसके अंदर दो चीजें हमें नजर आएगी, एक होगा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, दूसरा होगा हमारे पास एमनेसिया, ठीक है जी, कि आप भूल जाएंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी लॉस हो जाएगी। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा, बेंजोडाइजेपिन्स के जो एंटागोनिस्ट हैं वो क्या है, फ्लोमाजेनल है। अगर आप लोगों में से किसी ने इमरजेंसी में ड्यूटी किया तो उनको पता होगा, फ्लोमाजेनल हम पेशेंट को देते हैं, जब अक्सर लोग हमारे पास टॉक्सिसिटी के साथ आते हैं कि जी इन्होंने डायजेपाम के 10 पत्ते खा लिए, ठीक है जी। तो ऐसे पेशेंट्स को हम फ्लोमाजेनल देते हैं, जो कि वो हमारे पास क्या है, इसका एंटीडोट है या एंटागोनिस्ट है। तो गाबा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये गाबा को अपने रिसेप्टर से हटाती है, लेकिन उसके अंदर आपको ख्याल क्या करना चाहिए, जब हम फ्लोमाजेनल पेशेंट को देते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको हम पहले बहुत ज्यादा कम देते हैं, ठीक है जी, 2 cc आपने अगर 10 cc के अंदर डाइल्यूट किया, 2 cc आप देते हैं, फिर पेशेंट को देखते हैं वो कितना अलर्ट हो रहा है। आपने पपिलरी रिफ्लेक्स को चेक करना होता है, पेशेंट के जो बाकी रिफ्लेक्सेस है उनको चेक करना होता है, देखना होता है,
ताकि पेशेंट बहुत ज़्यादा अलर्ट ना हो। अच्छा, और जाहिर सी बात है, अब फ्लोमाजेनल अगर आप ज़्यादा देंगे तो ये गाबा रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। इसका मकसद क्या है, ये गाबा को अपने रिसेप्टर से हटाएगा, सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर भी और स्पेशली मोटर मोटर कॉर्टेक्स के अंदर भी। जो बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं बहुत ज़्यादा, वो टुन से होते हैं, उनको बस बिल्कुल बेहोश होते हैं और बिल्कुल मोटर वाइज जो है वो टोन उन पे मसल का बहुत कम हो चुका होता है। लेकिन फ्लोमाजेनिल हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर पेशेंट की अलर्टनेस देखते हैं, फिर थोड़ा सा देते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर हम एकदम से ज़्यादा दे दें तो वो तो गाबा एंटागोनिस्ट है। अब मोटर कॉर्टेक्स के अंदर अगर गाबा उसने बहुत ज़्यादा हटा दिया तो एकदम से आपके मोटर कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा, आपके जो न्यूरॉन हैं वो ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाएंगे और जिसकी वजह से आपको फिट्स हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका एक एंटागोनिस्ट फ्लोमाजेनिल। ठीक है जी। अच्छा, जो बाकी एंजाइलाइटिक्स है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास बसपिरोन ग्रुप है। ठीक है जी। अब उसके अंदर क्या है कि जी एक्शन इज मेडिएटेड बाय 5-HTA1 रिसेप्टर्स एंड डोपामिन 2 रिसेप्टर्स। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर ये हमारे पास एटिपिकल वो है, एंजाइलाइटिक्स है और इनका जो एक्शन है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स 1A1 रिसेप्टर से सॉरी इसको जो एक्शन है वो मेडिएट होंगे और डोपामिन रिसेप्टर से। ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों रिसेप्टर्स को ये मेडिएट करते हैं और इसके थ्रू ये अपने एंजाइलाइटिक प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। अच्छा जी, सेरोटोनिन और आपके जो डोपामिन रिसेप्टर्स है किस तरीके से एक्ट करते हैं इनके ऊपर डिफरेंट ड्रग्स, तो वो हम एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, और ये हमारे पास यूजफुल है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, GAD में। लेकिन इसके अंदर क्या है कि कुछ जो हमारे पास इसके साइड इफेक्ट्स है वो क्या है, हाइपोथर्मिया प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपके जो हाइपोथैलेमस है उसको सप्रेस कर देती हैं। ठीक है जी, आपके जो ग्रोथ हार्मोन है उसको इंक्रीज कर लेती हैं और प्रोलैक्टिन को इंक्रीज कर लेती है। ठीक है जी। अच्छा जी, हाफ लाइफ जो है इस मेडिसिन का, वो आपका रिफामपिन जो एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन है उसके साथ प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो शॉर्ट कम हो जाता है अगर आप साथ साथ में रिफामपिन देते हैं, तो इसका जो लाइफ है, हाफ लाइफ है, वो कम हो जाता है। अब फार्माकोलॉजी से आपको हाफ लाइफ पता होगा। ठीक है जी, कि वो टाइम जो कि एक ड्रग 50% बॉडी या प्लाज्मा में से क्लियर होने के लिए वो जितना वो टाइम लेता है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है जी। और इसका जो हाफ लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है जब पेशेंट को एरिथ्रोमाइसिन मिलता है। ठीक है जी। और साइड इफेक्ट इसके क्या है, हेडेक्स हैं, डिजीनेस है, नर्वसनेस है और लाइट हेडेडनेस है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास जो अदर एंजाइलाइटिक्स है उसके अंदर हाइड्रोक्सीजीन है। ठीक है जी। हाइड्रोक्सीजीन बेसिकली हमारे पास क्या है, एंटी एलर्जिक है। ठीक है जी। लेकिन इट इज इन एन एंटी हिस्टामिन एंड एंटी एमेटिक। ठीक है जी। एंटी एलर्जिक और एंटी एमेटिक के तौर के ऊपर हम यूज करते हैं। ठीक है जी। यूज इन एंगजाइटी विद हिस्ट्री ऑफ ड्रग एब्यूज। जो लोग ड्रग एब्यूज के हिस्ट्री के साथ होते हैं और उनको एंगजाइटी होती है, तो उसमें इसलिए हमारे लिए ये अच्छा एंजाइलाइटिक है क्योंकि ये हमारे पास एंटी हिस्टामिन और एंटी एमेटिक एक्टिविटी है। आगे हम ड्रग एब्यूज के अंदर डिस्कस करेंगे, बहुत सारे ड्रग्स को जब हम डिसकंटिन्यू करवाते हैं तो उसके अंदर आपको एलर्जी का हो जाना, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, पेट खराब होना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ड्रग एब्यूज की जो हिस्ट्री होती है उसके अंदर जो एंग्जाइटी है तो उसके अंदर हम इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, फॉर सेडेशन प्रायर टू डेंटल सर्जरी, उसके अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं कि वो सेडेशन आपको मिल जाए। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएं। ये हमारे पास क्या है, बारबिट्यूरेट्स। ये हमारे पास क्या है, दूसरे क्लासेस ऑफ ड्रग्स है जो कि एंटी एंग्जाइटी के तौर के ऊपर या एंजोलाइटिस के तौर के ऊपर हम इसको यूज करते हैं। दो के ये हमारे पास कम यूज होते हैं, बेंजोडाइजेपिन ज्यादा यूज होते हैं। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि मोड ऑफ एक्शन अगर आप लोगों को समझ आ गया है बेंजोडाइजेपिन्स का, तो सेम मोड ऑफ एक्शन है बारबिट्यूरेट्स का भी, लेकिन उनका रिसेप्टर डिफरेंट है। ठीक है जी। रिसेप्टर साइट जो है उसका डिफरेंट है, बाकी एक्टिविटी वो वैसे ही करता है जैसे बेंजोडाइजेपिन्स करते हैं, और वो आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है जी। अच्छा, बारबिट्यूरेट्स आप लोग देख लीजिएगा,
लार्जली रिप्लेस बाय बेंजोडाइजेपिन्स, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है, तो जो उसकी जो इन बारबिट्यूरेट्स की जगह जो ज़्यादातर जो हमारे पास ड्रग्स यूज होते हैं वो BDZ है। BDZ का मकसद क्या है? बेंजोडाइजेपिन्स है, ठीक है जी। इंटरेक्ट्स विद गाबा ए रिसेप्टर्स, ठीक है जी। इसका जो इंटरेक्शन होता है वो गाबा ए रिसेप्टर्स के साथ होता है। एनहांसेस गाबार्जिक एक्टिविटी, अच्छा ये गाबार्जिक एक्टिविटी को बढ़ाती है, ठीक है जी। तो इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स थे वो भी गाबार्जिक थे। तो जितने भी एंजोलाइटिक्स है वो सारे गाबार्जिक होते हैं, ठीक है जी। गाबार्जिक का मकसद क्या है? कि गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाती है, ठीक है जी, एनहांस करती है। बट साइट इज डिफरेंट फ्रॉम बेंजोडाइजेपिन्स, इसका सिर्फ साइट हमारे पास डिफरेंट है बेंजोडाइजेपिन्स से, ठीक है जी। बारबिट्यूरेट्स पोटेंशिएट्स गाबा एक्शन ऑन क्लोराइड एंट्री इनटू द न्यूरॉन बाय प्रोलॉन्गिंग द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। इसके अंदर एक स्लाइड डिफरेंस क्या है कि ये जो है इसकी सस्टेनेबिलिटी का जो एलिमेंट है वो ज्यादा है, कि वो क्लोराइड आयन को बहुत एफिशिएंटली खोलते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। लेकिन बारबिट्यूरेट्स हमारे पास क्या करते हैं कि उसको सस्टेन रखते हैं, उन क्लोराइड आयन को जो के खुले हुए हैं उनको फिर खुला रखते हैं, ठीक है जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन अंदर चले जाए। सेम है, उसके अंदर कोई इतनी वो इम्पोर्टेंट चीज वो नहीं है कि इससे डिफरेंट है। अच्छा जी, कैन ब्लॉक एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर, ठीक है जी। एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर को ये ब्लॉक करती है, ठीक है जी। अच्छा, एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन ऑफ फिनोबार्बिटल आल्सो ब्लॉक हाई फ्रिक्वेंसी सोडियम चैनल। अब ये जो हमारे पास जो है ग्लूटामेट रिसेप्टर है, तो उसके अंदर हमारे पास ग्लूटामेट एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है जी। या फिर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन के अंदर अगर हम फेंटोबार्बिटल देते हैं तो ये हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। जब ये उनको करती है तो ये हमारे पास वर्बन, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास, अच्छा एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन में क्या पेंटोबार्बिटाल जो है वो क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, ठीक है जी। उनको अगर आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है जी, तो उसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल आपके जो न्यूरॉन है, जो सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है जी, वो कंप्लीटली अपना एक्शन छोड़ देंगे, ठीक है जी। जिस तरीके से एनेस्थीजिया, ठीक है जी, एनेस्थीजिया आप लोग जानते हैं ना, कि आपके जो सेंस ऑफ टच है वो कंप्लीटली लॉस हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, बिल्कुल सेंस ऑफ जो सेंसेशन है वो आपकी खत्म हो जाती है, एनेस्थीजिया के अंदर आपके सेंसेशन खत्म हो जाती है। तो एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन, और वो किस लिए होती है, कि जो आपके हाई फ्रिक्वेंसी सोडियम चैनल्स होते हैं वो आपकी जो सेंसरी, हम अगर बात करते हैं पेरिफ्रीज में सेंसेशन की, तो वो सोडियम से मेडिएट होते हैं। एक्शन पोटेंशियल सोडियम मेडिएट करता है उसको अगर हम सॉरी ब्लॉक करते हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटली अगर हम ब्लॉक कर लेंगे तो एनेस्थीसिया हो जाएगा, आपको कोई सेंसेशन नहीं होगी, ठीक है जी। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आप लोग देख लीजिए, लॉन्ग एक्टिंग के अंदर जिस तरीके से फेनोबार्बिटल है, ठीक है जी, आप यूज करते हैं, ठीक है जी, 1 to 2 days एज एंटी एपिलेप्टिक्स यूज होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग बेंजो जो हमारे पास है बारबिट्यूरेट्स, वो हमारे पास है, ठीक है जी, उसके अंदर पेंटोबारबिटाल है, सिकोबारबिटाल है, एमोबारबिटाल है, ठीक है जी, ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है जी। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारे पास 3 to 8 hours का होता है, ठीक है जी। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हमारे पास थायोपेंटाल है, ठीक है जी, इसको आपने देखा होगा ज्यादातर जो 20 मिनट्स इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो 20 मिनट्स तक होता है, और जनरल एनेस्थीजिया के अंदर यूज होता है, ठीक है जी। जब जनरल एनेस्थीजिया पेशेंट को देते हैं तो इंडक्शन एनेस्थीजिया इंडक्शन के लिए देते हैं, फिर जाहिर सी बात है सस्टेन करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह देते हैं। तो ये हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है जी। अच्छा, जो एक्शन है इनके वो क्या है, सेडेशन है, कामिंग इफेक्ट्स, रिड्यूसिंग एक्साइटमेंट, वही वाली बात है, अगर गाबा की एक्टिविटी को ये बढ़ाती है तो ये हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर होगा तो कामिंग इफेक्ट उसका होगा। अगर लार्जर डोजेस के अंदर आप देंगे तो ये हिप्नोसिस भी करा सकती है, मतलब ऐसी स्टेज जिससे आपको इस आपकी अराउजल बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक
आप नींद की सिचुएशन से थोड़े से डेप्थ में चले जाते हैं, ठीक है जी। साथ साथ में अगर ये हमारे पास हाई पोटेंसी सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, तो पेरिफ्रीज के अंदर जितनी भी हमारे सेंसेशन है उनको कंप्लीटली खत्म कर देगी, जिसको हम कहते हैं एनेस्थीजिया, ठीक है जी। आपके अंदर सेंस ऑफ टच जो है वो खत्म हो जाता है, आप बिल्कुल किसी चीज को फील ही नहीं कर सकते, ठीक है जी। जिस तरीके से सर्जरी होती है पता आपको नहीं चलता। कोमा और डेथ, क्योंकि ये हमारे पास जाहिर सी बात है, अगर ये हमारे पास डिप्रेस कर जाती है आपकी रेस्पायरेटरी सेंटर को, ठीक है, जाहिर सी बात है रेस्पायरेटरी सेंटर के अंदर का कार्डियक एक्टिविटी वो डिप्रेस होगा, तो उसकी वजह से चांसेस ये हैं कि पेशेंट को रेस्पायरेटरी डिप्रेशन हो और उसकी वजह से पेशेंट को कोमा में चला जाए और पेशेंट की डेथ हो, ठीक है जी। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अच्छा जी, थेराप्यूटिक यूजेस के अंदर हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीजिया के अंदर यूज होता है, जिस तरह से मैंने बात की है थियोपेंटाल की, वो हमारे पास यूज होता है एज एनेस्थीजिया इंडक्शन मेडिसिन, ठीक है जी। एंटी कन्वल्सेंट्स, एज एंटी कन्वल्सेंट जिस तरीके से हम यूज करते हैं, फेनोबार्बिटाल यूज करते हैं, सिकोबार्बिटाल यूज करते हैं, यूज इन टोनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है जी। जो टोनिक क्लोनिक स्पेशली टोनिक क्लोनिक सीजर होते हैं उसके अंदर हम देते हैं, या स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर होते हैं, ठीक है जी, कि बार बार आपको जो सीजर्स है वो आते हैं एपिलेप्सी के अंदर, वो बार बार होते हैं, और स्टेटस एपिलेप्टिकस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी रेस्पायरेटरी अरेस्ट हो सकती है, आपको आपकी डेथ हो सकती है। और एक्लेम्पसिया आप लोग जानते हैं, ठीक है जी, प्री एक्लेम्पसिया एंड एक्लेम्पसिया, और एक्लेम्पसिया के अंदर भी हम क्या होता है कि आखिरी स्टेज क्या होता है, उसके अंदर फिट्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, कन्वल्जन्स होते हैं, तो एक्लेम्पसिया के अंदर हम यूज करते हैं। एंग्जायटी के अंदर दो ये ड्रग हमारे पास यूज होते हैं, लेकिन इनकी जगह चूंकि इनके एडवर्स इफेक्ट्स थोड़े ज्यादा है, तो इसी वजह से इनकी बजाय बेंजोडाइजेपिन ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा जी, साइड इफेक्ट्स के अंदर आप देखिए वही वाले साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है जी। उसके अंदर ड्राउजीनेस है, ठीक है जी, आप ड्राउजी फील करेंगे, आपका कंसंट्रेशन एम्पियर हो जाएगा, ठीक है जी। मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस आ जाएगी, मेंटल स्लगिशनेस आपके जो सीएनएस के अंदर आपके एक्शन पोटेंशियल को सॉरी आपके जो न्यूरॉनल एक्साइटेशन है उसको कम करना, फिजिकल स्लगिशनेस आपके मोटर कॉर्टेक्स के अंदर अगर वो न्यूरॉन को न्यूरॉनल एक्शन को डिमिनिश करती है तो फिजिकल स्लगिशनेस होगी, ठीक है जी। ड्रग हैंगओवर इसका एक और हमारे पास है, ठीक है जी, साइड इफेक्ट है, या फिजिकल डिपेंडेंस है, ठीक है जी, उसकी फिजिकल डिपेंडेंस बारबिट्यूरेट्स का और बेंजोडाइजिपिन्स का, बेंजोडाइजिपिन्स का साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। और इसकी पॉइजनिंग, बारबिट्यूरेट्स की पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास उसके साइड इफेक्ट्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास जो बाकी अदर हेप्नोटिक्स हैं, ठीक है जी, जो कि हम यूज करते हैं, उसके अंदर हमारे पास जोल्पिडेम है, ठीक है जी। अच्छा, एक्ट्स ऑन सबसेट ऑफ बेंजोडाइजेपिन वन रिसेप्टर, अगेन उसका जो हमारे पास बेंजोडाइजेपिन वन रिसेप्टर है उसके ऊपर ज्यादा ये इफेक्ट करेगा, ठीक है जी। तो बेंजोडाइजेपिन वन की जो सब टाइप रिसेप्टर्स के ऊपर जो भी ड्रग एक्ट करेगा तो उसकी हमारे पास एंजाइलाइटिक प्रॉपर्टी तो होगी, लेकिन उसकी एफिनिटी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर गाबा के लिए नहीं होगी, तो फिर इसलिए ऐसे मेडिसिन की हमारे पास क्या होगी, उसकी जो एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी है वो नहीं होगी, क्योंकि वो मोटर कॉर्टेक्स के अंदर जो न्यूरोनल हाइपर एक्साइटेबिलिटी है उसको कम नहीं करेगी, तो इसके जो मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी है या फिर एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टी है वो इसकी नहीं है, ठीक है जी। फिर हमारे पास जेलेप्लोन है, अगेन सिमिलर टू जेलपिडेम है, बेंजोडाइजेपिन वन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है जी। रेमेल्टन है सेलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ MT1 एंड MT2 सब टाइप्स ऑफ मेलाटोनिन रिसेप्टर्स, हमारे पास मेलाटोनिन रिसेप्टर्स है, ठीक है जी। तो मेलाटोनिन रिसेप्टर्स बेसिकली हम ये जो रेमेल्टोन है इसका बेसिकली जो एक्शन है वो डायरेक्ट नहीं है, इसका जो एक्शन है वो मेडिएटिंग एक्शन है, ठीक है जी। ये हमारे पास सेडेशन हिप्नोसिस कैसे लाएगा, बाय रेगुलेटिंग मेलाटोनिन, ठीक है जी। तो इसके हमारे पास क्या होगा कि जी जिस तरीके से हमारे पास सुप्राकैस्मिक न्यूक्लियस के अंदर पीनियल ग्लैंड के अंदर जो हमारे पास मेलाटोनिन है, वहां पे अगर मेलाटोनिन वन मेलाटोनिन टू
रिसेप्टर्स को हम स्टेमुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मेलाटोनिन ज़्यादा रिलीज होगा। जब मेलाटोनिन हमारे पास ज़्यादा रिलीज होगा तो स्लीप प्रोमोट होगी, ठीक है जी, फिर हमें नींद आएगी। तो इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो सेडेशन के लिए है, ना कि एंग्जाइटी के लिए ज़्यादा। इस तरीके से क्लोरल हाइड्रेट है, ठीक है जी, क्लोरल हाइड्रेट आप लोग ने यूज़ किया होगा अक्सर, जो बच्चे बच्चे होते हैं उनको कहीं पे इमरजेंसी में स्टिच लगाने होते हैं तो उनको हम पिलाते हैं क्लोरल हाइड्रेट सिरप पिलाते हैं, ठीक है जी, ताकि वो सो जाए, और उसकी सेडेशन बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है फिर। और लेकिन इसका एक प्रॉब्लम यह है कि जी एपिगेस्टिक डिस्टर्बेंस, और इसका टाइम ज़्यादा होता है, ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, अक्सर लोग वापस आ जाते हैं कि ये तो होश में वापस नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल क्लोरल हाइड्रेट है, ट्राइक्लोरिनेटेड, अगेन ये सेडेशन के लिए होता है, इज अ ट्राइक्लोरिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ एसिटाल्डिहाइड दैट इज कन्वर्टेड टू द एक्टिव मेटाबोलाइट ट्राइक्लोरोएथेनॉल इन द बॉडी, ठीक है जी, ये ट्राइक्लोरोएथेनॉल को कन्वर्ट हो जाता है, और ये इस तरीके से हमारे पास स्लीप इंड्यूस करता है। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट लग जाते हैं, लेकिन जो इसका एक्शन है वो 6 से 8 घंटे, इवन उससे ज़्यादा भी ले सकता है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा है क्लोरल हाइड्रेट का, ठीक है जी। और एक बड़ा प्रॉब्लम इसका क्या है कि जी गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस प्रोड्यूस कर देती है, आपको एक गैस्ट्रिक पेन और ब्लॉटिंग और इस तरीके से जो इसके साइड इफेक्ट है वो हो सकते हैं। अच्छा जी, बाकी जो ड्रग हम यूज़ करते हैं जो स्पेशली एंग्जाइटी के साथ साथ और साइन सिम्टम्स हो रहे हैं, जिस तरीके से हमने बात की कि जी ड्रग एडिक्शन को अगर हम साथ में कम कर रहे हैं तो उसके लिए हम देते हैं कुछ, और हमें एक्शन साथ में चाहिए होते हैं तो हम एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए साथ साथ में इन चीज़ों की यूज़ करते हैं, जिस तरीके से एंटी हिस्टामिन है, ठीक है जी। अच्छा, एंटी हिस्टामिन, नो प्रिस्क्रिप्शन एंटी हिस्टामिन सच एज डाइफेनहाइड्रामीन और डोक्साइलामाइन आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग माइल्ड टाइप्स ऑफ इंसोमनिया, ठीक है जी। अच्छा, अब जो हमारे पास जो एंटी हिस्टामिन है जिसको आप एंटी एलर्जिक्स भी कहते हैं, तो अगर आपको ऐसा आप एक तो बेंजोडाजेपिन पहले आपने यूज़ नहीं किए, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं मेडिसिन को, तो अगर आपको माइल्ड किस्म का इंसोमनिया है और आप इन एंटी एलर्जिक्स को लेते हैं तो उससे आपका इंसोमनिया ठीक हो जाता है, ठीक है जी, आपको नींद आ जाती है उसकी वजह से, उसके अंदर थोड़ी सी हमारे पास सेडेटिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है जी। इस तरीके से इथेनॉल है, आप लोग जानते हैं, ठीक है जी, जिसको ETH कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है जी। अच्छा, इथाइल अल्कोहल हमारे पास जिस तरीके से आज जिसको हम कहते हैं अल्कोहल, ठीक है जी, तो यूज एज एंग्जोलाइटिक एंड सेडेटिव, ठीक है जी, जिसको आप कहते हैं शराब, ठीक है जी, तो ये हम यूज करते हैं एज एंग्जोलाइटिक्स या सेडेटिव, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर जो हमारे पास डिपेंडेंस है वो डेवलप हो जाता है और एडिक्शन की तरफ लेकर के जाता है, और जाहिर सी बात है ये इथाइल अल्कोहल चूंकि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा डैमेजिंग ड्रग है तो इसकी ये सेल साइकिल को हमारे पास डिसरप्ट कर देता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से फिर कैंसर वगैरह हो सकता है, रिडक्शन हो सकती है,